हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज दिन है बुधवार का और तारीख है 13 अक्टूबर। और हरी में आज चल चुकी है, दूध निकाल लिए है, ये कपड़े रात को धोए थे वो है, बर्तन भी अब लगाऊंगी। देखिए पूरा टोकरा भरा हुआ है। और एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, टाइम पूरे 6 बजे है, लेकिन देखिए दिन अच्छे से नहीं निकलता है। 6 बजे अंधेरा रहता है, तो आज वीडियो स्टार्ट कर दी है अर्ली मॉर्निंग। और ये देखिए कपड़ों के प्रेस करनी है हेमू योगी के ड्रेस, और ये स्टैंड बाहर निकालूंगी। अभी दोनों सो रहे हैं, इधर मैंने दूध भी लो लिया, घी निकालूंगी। देखिए बिल चुका है और ये पानी गर्म हो गया है हाथ डुबोने के लिए, फिर घी है वो हाथ के नहीं लगता। टाइम देखिए 10:00 थोड़ी सी है मुस्कान, बना दे तेरी वीडियो है। और योगी जा चुकी है, कन्या जी मारे हैं उनके यहाँ, और मैं निकाल रही हूँ अब घी। तो ये देखिए लूणी घी है, मक्खन बोलते हैं। तो साइड में मैंने गर्म पानी ले लिया है, उसमें हाथ डिप कर करके मैं घी निकालूंगी, क्योंकि हाथ के बिल्कुल भी घी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ट्राई करिए, अगर किसी के हाथ चिपचिपे घी के ऐसे हो जाते हैं तो एक बार गर्म पानी में हाथ डुबोए और फिर घी निकाले तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं सारा घी निकाल लूँगी, पहले रई को पोंछ के फिर निकालूँगी। तो चलिए को पोंछ के मैंने रख दिया साइड में। और ये बंटा रखा हुआ है, इसको मैं रखती हूँ फ्रीज में, सुबह डाल देती हूँ आधा, फिर 2 गिलास गर्म पानी और आसानी से घी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ़ वगैरह के हमारे भैंस के दूध में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं निकाल दूँगी घी, देखिए किस किस के मुँह में पानी आया है मक्खन को देख कर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, जुकाम खांसी। तो चलिए अभी घी निकाल देते हैं। हेमू भी उठ चुका है, वो लग चुका है अपने काम पे, वो भी बिस्तर समेट रहा है क्योंकि स्कूल में लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सब अब अपना काम करो। हेमू का काम है डेली का बिस्तर समेट के रख देता है। किस किस के बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं ये अभी कमेंट करके बताना, भाई हमारे बच्चे तो बहुत काम करते हैं छोटे छोटे। और योगी तो चाय पानी बना के पिला देती है, अपने मैगी वगैरह भी बना लेती है। तो अभी मैं निकाल देती हूँ घी, क्योंकि छाय के लिए भी जल्दी आ जाती है, तो छाय तो हमारे ऐसे ही बट जाती है गांव में। तो अभी प्रेस भी करूँगी और स्टैंड को बाहर निकालूँगी, फिर और काम के पे लगूँगी। अभी मैं आई थी खेत में, ये देखिए ये खेत तैयार करा दिया है सरसों के लिए। खाद इसमें DAP बो दिया है आज सुबह, कल बोएंगे इसमें सरसों। और ये इधर इसकी पूड़ी निकाल दी थी बाहर, थोड़ी ही थी। और अभी चलेंगे दूसरे खेत में, क्योंकि उसका निकालना है आज बाजरा। तो चलिए चलते हैं, वो आएंगे। ये ताई जी का खड़ा है अभी, बाजरा लग रही है वो भी। ये देखिए बाजरा लेके आ गए हैं, और ये ढोलकी मंगाई थी नई,
दूसरे चैनल के लिए, और कपड़े भी यही पड़े हैं, इनकी तह लगानी है। और ये देखिए बाजरा ये हो गया है, 1 2 3 4 5 कट्टे ये है और 5 ये है, 10 ये थोड़े रित्ते हैं, ये अच्छे भरे 5 तो ये है, और थोड़ा सा और रह गया लगभग 10 15 किलो, तो वो अभी मैं जाऊंगी लेके आऊंगी। टाइम 3:20, पशुओं को बाहर निकाल दिया है। और धूप कड़ाके की, तो चलिए मैं चलती हूँ खेत में, आप लोगों से आके मिलेंगे। पहले मैं पानी गर्म रख के जाती हूँ अपना, क्योंकि आके नहाऊंगी। और ये फूल भी अब कम खिलने लग गए हैं, ये भैंस को निकाल दिया है, तो लगभग 4:15 4 बजे मैं इनको चारा डालूंगी। बाहर निकाल दिया, छाया आ गई थी, पानी गर्म रख देती हूँ, खेत से आऊँगी। बाजरा थोड़ा सा रह गया वो लिख के, इतने में गर्म हो जाएगा। और अब ये इसने भी गोबर कर दिया है, इसको भी फावड़े से खींच देती हूँ, ये तो बेचारी लग गई अपने सुक्के में। मैं इसका गोबर खींच देती हूँ, ये देखिए इतनी ही देर में काट भी दिया, ये देख बड़ी बदमाश भैंस है ये। तो मैं अपना पानी गर्म रख देती हूँ और फिर खेत में जाऊंगी, आके मिलेंगे आप लोगों से। और ये देखिए गांव का बिल्कुल देसी खाना, आप सब भी खा लीजिए, घी और खट्टे की सब्जी है, क्योंकि खेत में हो रही थी साट्टी तो बाबा लेके आए थे, वही बनाई है। और गर्मा गर्म रोटी और दूध लेंगे बाद में, क्योंकि ये छाए का है, खट्टा और कढ़ी तो जी छाए में ही बनता है, सबको पता है। तो अभी आप सब भी खा लीजिए रोटी, ये थाली लग चुकी है हेमू योगी के लिए। और ये लगा लिए मैंने अपनी, और ये ले लिए मैंने छाए, क्योंकि दूध तो बाद में पियेंगे, उस देगची में रखा हुआ है दूध। तो चलिए खा लेते हैं रोटी, मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए टाइम 7 बज गए हैं, और ये देखिए आज हमने वाईफाई लगवा लिया है, इसका काम कई दिनों से चल रहा था लेकिन आज ये कंप्लीट हो गया है। तो खाना पीना सब हो गया है, और ये कुर्सी अभी अंदर रखेंगे, पंखा रखेंगे, ये छोटी पाटी रखी हुई है उनको सबको अंदर, और बर्तन अभी पड़े हुए हैं ये देखिए। और तबीयत आज बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि, और ये देखिए अभी कैमरे के सामने आ गई तो दिख गई, आप लोगों को दिखा देती हूँ। पिछली बार दीपावली पे करवाया था और इस बार झटने लग गया है, सीलन बहुत ज़्यादा है। और हमारी ये पानी की टंकी है यार ये वाली, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा है। वैसे इसका एक बहुत बढ़िया आराम है, पानी ठंडा रहता है इसमें गर्मियों में। तो चलिए अभी मैं करती हूँ बर्तन साफ, मिलते हैं थोड़ी देर में।